अज्जी एक मिनट, या अज्जी वो श्रद्धा की आंखों में जो मैंने अभी देखा, क्या अज्जी श्रद्धा श्रद्धा कहीं सच में ध्रुव से प्यार तो नहीं करती? पागल हो गई क्या? तू जा, जा। एक मिनट बोला ना, तू जा। कैसी बातें करती है अज्जी? जा अजूबा के पास जा। जो तूने देखा है उसका अंदेशा मुझे भी है अंजलि। कब हुआ पता ही नहीं चला, पर श्रद्धा को ध्रुव से प्यार हो गया है, ये सच है। पर जो सच अपने अंदर तूफान समेटे हुए हो, उस सच को झुठलाने में ही सबकी भलाई है। तू क्यों रो रही है पगली? आज सभा सुख नंग करेगी क्या? कुछ तो बच्चा कह रहे विदाई के लिए। अरे बस कर अभी, बस कर, बस कर। आंटी जी, रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं और सही समय आने पर भगवान उन्हें बंधन में बांध देता है। जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उसी ने मझधार में डाला है, वही पार लगाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो रेखा, हमें खुशी खुशी और पूरे मान सम्मान के साथ अपनी दोनों बहुओं का छवर परिवार में स्वागत करना चाहिए। कितनी खुशी की बात है कि हम गए थे एक बहू लाने और दो बहू ले आए। खुशी तो दुगनी होनी चाहिए ना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि रुको। रुको बेटा, देखो बहू को लाड़ प्यार देना, आशीर्वाद देना, बस उतना ही हक है ससुर का। पर बहू को पूरे मन से अपनाना, ससुराल को अपना घर बनाना,
ये तो सिर्फ सास ही कर सकती है। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं रेखा बिटिया के साथ अकेले में बात करना चाहती हूं। फैसला अगर दो संधन मिलकर करे ना तो संतुलन बना रहता है। नम्रता, प्रभास आओ मेरे साथ। बेटा, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। मैं क्यों आई हूं ये आप भी जानती हैं और मैं भी। ये अचानक इतनी जल्दी ये सब बच्चों ने ये शगुन के तौर पर ये श्रद्धा और ध्रुव के लिए। एक मिनट, मेरे बेटे के साथ अपनी पोती का नाम जोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करी, क्योंकि कभी भी इन दोनों के नाम एक साथ नहीं लिए जाएंगे। चलिए, अच्छा ही हुआ कि बिजली चली गई, वरना आपको मेरी आंखों में पल पल बढ़ती नफरत दिखाई देती और फिर शायद उस नफरत के डर से शायद आप अपनी बड़ी पोती को भी इस घर में विदा करके भेजने के बारे में दो बार सोचती। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, बस हम पर निर्भर करता है कि हम नफरत बोएं या प्यार। प्यार की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। कैसे छोड़ दूं बेटा, कैसे छोड़ दूं? आपके काना और हमारे बप्पा उन दोनों ने मिलके संबंध बनाए इन दोनों बच्चों के, कैसे छोड़ दूं बेटा? ये ईश्वर की ही तो लीला है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके दादा जी आज जिंदा नहीं होते।
ये ध्रुव और श्रद्धा की ये शादी देखनी थी इसके दादाजी को, तभी तो मौत के मुंह से वापस आ गए ये। नहीं तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था बेटा, ये होना था बेटा। कमाल करती हैं आप, सच कमाल करती हैं आप। पहले दादी माँ से माँ, और अब तो माँ से भगवान का दर्जा दे बैठी आप खुद को। वाह, ये ना तो आपके बाप्पा का इशारा है, ना ही मेरे कान्हा जी की लीला है, साजिश है ये। साजिश की है आपने मेरे ध्रुव को फंसाने के लिए। और आपकी इस साजिश में आपके जीवन साथी ने आपका खूब साथ निभाया है बीमार होकर। या फिर ये कहूं, बीमारी का नाटक करके। इसमें आपकी गलती नहीं है बेटा, आपकी जगह पे कोई भी होता तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही करता। हल्के में ले रही है क्या आप मुझे? मजाक उड़ा रही है मेरा? नहीं बेटा, समधन का रिश्ता ही ऐसा है, दर्द में भी एक दूसरे के हमदर्द नहीं बन पाते। कोई याद है ना, मेरी बनाई हुई करंजी खिलाकर हम दोनों की कड़वाहट मिटाई थी। ये मेरी बनाई हुई करंजी, आज मैं आपका मुंह मीठा करके आपकी नाराजगी और कड़वाहट मिटाऊंगी। बिटिया चलो इस नए रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। ये लो। मैं समझती हूं आप मुझे पसंद नहीं करती, मेरे बोलने का ढंग, मेरी बर्ताव, ये सब चाहे जैसा भी हो, पर मेरी श्रद्धा बिल्कुल अलग है, मुझसे बिल्कुल नहीं मिलती। आप एक काम करो, आप ना अपना सारा गुस्सा मुझ पे बस डाल दो। आपके मन में जो कुछ भी है ना, बस मुझे कह दो, मैं मुस्कुरा कर सर माथे ले लूंगी। बस मेरी श्रद्धा का मोल कम मत समझना, वो हीरा है, हीरा। मैं आपको बताती हूं, आप उसे अपनी बहू पाकर सारी उम्र खुशी और गर्व महसूस करेंगी। बिटिया
मैं श्रद्धा को साथ लेकर आई हूँ। वो बाहर खड़ी है। तो मैं उसे अंदर ले आऊं। ध्रुव तू बड़ा हो गया है, ये अपना बचपना छोड़। तेरे ना बोलने से ये शादी नकली नहीं हो जाएगी। भाई ये नकली शादी थी, ये शादी मैंने आपके दादा ससुर के लिए की है, इसलिए नहीं कि जिससे वो मेरे भी दादा ससुर बन जाएं। जो मेरे भाई सिंदूर हुआ ना, फेरे भी हुए तो शादी सच्ची हुई ना। तू एक बार श्रद्धा को और खुद को चांस दे के तो देख। तेरा बड़ा भाई बोल रहा है बहुत अच्छा होगा, सब सही होगा। श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है, दादी के संस्कार है, उसमें हमारे घर में घुल मिल जाएगी। वो अंजलि की परछाई है, वो उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुझे ध्रुव। मैं बोल रहा हूँ तेरे को अभी भी, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है ध्रुव। अरे हद कर दी भाई यार, श्रद्धा 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 बस करो भाई। अब होगी दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की श्रद्धा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है भाई। मुझे श्रद्धा पसंद नहीं है तो नहीं पसंद, बात खत्म। जितनी बार श्रद्धा ने मेरा मजाक उड़ाया ना भाई, जितनी बार उसने मुझे नीचे दिखाया है, आज तो क्या मैं श्रद्धा को कभी पसंद कर ही नहीं सकता जिंदगी में। तू गलती कर रहा है ध्रुव। गलती कर रहा हूँ ना भाई, तो गलती ही सही। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर आप अंजलि भाभी से प्यार नहीं करते तो आप उनसे शादी करते? नहीं मुझे बताओ ना, आप उनसे शादी करते? भाई शादी जैसे रिश्ते के लिए ना प्यार होना बहुत जरूरी है, और प्यार के लिए पसंद आना। शानी श्रद्धा तो मुझे पसंद ही नहीं भाई। अरे पसंद ही नहीं करता मैं उसको। जो मुझे लड़की पसंद आएगी ना भाई, वो कुछ स्पेशल होगी, कुछ खास होगी। ध्रुव जबरदस्त लड़की पे दिल हारेगा ना भाई, वो आउट ऑफ दिस कंट्री होगी, समझ रहे हो? शानी श्रद्धा जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बता रहा हूं मैं आपको। तेरी ना समझी को ना, तेरा बचपना समझ रहा, पर ये तो तेरा ईगो निकला ना। हाँ तू इतना सही, वो श्रद्धा इतनी गलत कब से होगी? हाँ बोल। गलत है या सही मुझे नहीं पता भाई, और ये नकली शादी का किसी को पता भी नहीं चलता अगर वो शानी श्रद्धा अपना मुंह ना खोलती। यार सब मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हो भाई, आप भी मुझे इस बात को लेकर सुना रहे हो? बस भाई बस करो, इतना पुश मत करो मुझे कि मैं आपके होने वाली साली के बारे में कुछ ऐसा। दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरह से सठिया गई हैं। जिस लड़की का मैं चेहरा तक नहीं देखना चाहती, आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं उसे ब्याह कर अपनी बहू बनाकर यहां इस घर में ले आऊंगी? अब जब हम दो समधनों के बीच से हर पर्दा हट गया है, खुलकर बातें हो रही है ना, अब एक बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूं। मुझे आप पर, आपकी उम्र पर और आपकी नियत पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है।
ये जो शगुन की थाल से जाकर लाई है ना, इसमें से भी मुझे जहर की बू आती है। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।